हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि हम परमाणुओं की जो संख्या है किसी भी यूनिट सेल में या एकक कोष्ठिका के अंदर, वो हम निकालना सीखेंगे कि कितने परमाणु होते हैं एक एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो देखिए, पहला जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो है आद्य या घनीय, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो सिंपल प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें केवल कोनों पे ही उपस्थित रहते हैं परमाणु, कॉर्नर्स पे। तो बच्चों देखिए, जैसे मैंने ये बनाया, तो एक यूनिट सेल बनाई है मैंने, इसके कोने पर उपस्थित है ये परमाणु। तो एक यूनिट सेल बहुत सारे यूनिट सेल से जुड़ी रहती है। किसी क्रिस्टल लैटिस में हजारों यूनिट सेल्स होती हैं, ये आप जानते हो भाई। तो एक जो है एटम, वो बाकी से भी शेयर करेगा, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल होती है। जैसे एक आपके घर में रूम है, और उस रूम के ऊपर भी रूम होगा, उसके बराबर भी रूम होगा, पीछे भी होगा, आगे भी होगा, यानी हर डायरेक्शंस में बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ऐसा कुछ घरों में ना हो, लेकिन क्रिस्टल लैटिस में इसी तरह से यूनिट सेल्स होती हैं, हजारों लाखों एक दूसरे से सटी रहती। तो जो परमाणु है कोने पर उपस्थित है, वो बाकी सबसे भी साझा करेगा। तो एक जो है ये स्फीयर, कि कुल कितने से साझा करेगा? 8 से। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक से समझाता हूं बच्चों। देखिए यहां पर, ये मैंने यहां पर देखिए, एक दो तीन तो मैंने दिखा रखी है, यहाँ तीन यूनिट सेल। देखिए ये देखिए बच्चों, यहां पर एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, यहां देख लीजिए, एक दो तीन दिखा रखी है। और ये मैंने कोई एटम माना है कि कोने पर उपस्थित है, एक एटम है ये, ठीक है, एक एटम माना। तो एक दो तीन, और चौथा मैं यहां पर रख रहा हूं बच्चों आपके लिए। यहां देखिए, कुल मिला के ये कितने हो गए? 4 हो गए, 4 शेयर्ड एक लाइन में, यानी कि एक कमरा मान लो, या एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरी यूनिट सेल, चौथी यूनिट, 4 हो गए। अब ये जो आधा भाग है इस परमाणु के, तो परमाणु गोल होता है, जैसे समझ लीजिए तरबूज, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एटम तो बहुत छोटा होता, दिखाई भी नहीं था, लेकिन आकृति तो गोलाकार ही होती है। तो देखिए, आधा हिस्सा तो इसका इसमें चला गया, इस रूम में, पूरे में, इस परमाणु का। अभी आधा बचा, तो ऊपर भी तो हो सकती है यूनिट सेल, तो ऊपर कैसे होंगी? आप 4 और रख सकते हैं इसके ऊपर। देखिए, एक यहां पर आपने एक इसको रख दिया, एक है, और इसके बाद देखिए बच्चों, ये दूसरा है, दो है, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, चौथा हो गया, ठीक। कुल मिला के देखिए, कुल मिला के कितने हो गए? एक परमाणु से जो साझा कर रहे हैं, वो कितनी यूनिट सेल्स मैंने रख दी? नीचे की रो में 4 हैं, ऊपर की रो में 1 2 3 4, 4 हैं। तो कुल मिला के कितने हुए? 8। तो एक में कितना हिस्सा आया? आप मैथमेटिक्स जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर हम एक परमाणु है गोल, उसके 8 हिस्से करें, तो एक हिस्सा कौन सा हो गया? 1/8। समझ में आ गया? 1/8 हो गया। तो ये जो एक परमाणु है, यहां एक के कोने पे था, वो 8 में साझा कर रहा है। ऐसे ही हर एक कोने पे होगा, इस कोने पे भी होगा, लेकिन उसको हमने दिखाया नहीं है, एक दिखाया है, तो 8 से साझा कर रहा है। तो एक में कितना आया? ये इसको एक यूनिट सेल मान रहे हैं हम, एक यूनिट सेल। इसी तरह से 8 है, 8 हो साझा कर रहे हैं इससे, तो कुल कितने हो गए? ये 1/8 आया एक में। समझ में आ गया? एक परमाणु 8 से साझा कर रहा है, तो 1/8 आ गया, क्लियर? तो देखो, 1 2 3 4 5, 4 दिए हो गए, और 5 6 7 8, 8 हो गए बच्चों। ये समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, तो 1/8 आया। इसको ढंग से आप समझ लेंगे, ठीक। आगे देखिए कि, तो यहां पे हम लिखेंगे कि एकक कोष्ठिका में
एक कोशिका यूनिट सेल में कोनों की संख्या बराबर 8। ठीक, समझ में आ गया। तो एक कोने से एकक कोष्ठिका में आने वाला परमाणु का भाग बराबर 1/8 एक कोने से। तो 8 से कितना आएगा? अतः 8 कोनों से परमाणु का भाग बराबर कितना आएगा? 8 कोनों से एक यूनिट सेल। 8 कोने हैं, 1 से 1/8 आया तो 1/8 बराबर एक परमाणु, एक परमाणु कितना आया? एक। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो पढ़ाया हमने, ये आधे या एकक कोष्ठक के बारे में आया। अब हम दूसरा देखते हैं, इसी में जो उदाहरण है आपका वो देखेंगे कि ये आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा है, दूसरा जो प्रकार है वो है, देखिए, अंतः केंद्रित घनीय। घनीय का मतलब आपके सिलेबस में केवल क्यूबिक वाला है बच्चों, घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक, तो इसको बोलते हैं, अंतः वाले को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी का मतलब होता है जैसे किसी की बॉडी होती है, जैसे कहते हैं कार की बॉडी है या एक यूनिट सेल है उसकी बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है मान लीजिए, तो ये बॉडी यूनिट सेल हो गई, ये इसकी बॉडी हो गई, तो बॉडी बीच में। ठीक, तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि बॉडी का मतलब जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो नहीं है, ये बॉडी अलग होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, इसमें भी एक यूनिट सेल आप बना लेंगे, ये यूनिट सेल हो गई, बहुत आसान है बच्चों इसको बनाना। ठीक, तो यहां पे कोनों पे तो होंगे ही होंगे, कोनों पे तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा एक बीच में भी होगा। ठीक, कोनों के साथ साथ बीच में होगा। तो आप जानते हो कि एक कोने से 1/8 आता है, तो 8 कोने से कितना आ गया, लिख देंगे यहां पर बच्चों, क्या लिखोगे कि कोनों से परमाणु बराबर 8 × 1/8 कितना हो गया, एक कोनों से, यानी 1 से 1/8, तो 8 से कितना हो गया, क्योंकि कोनों पे भी होते हैं और बॉडी के बीच में भी होता है इसमें परमाणु, तो ये हो गया। लेकिन ये देखिए, ये जो बीच में है, बीच में वो क्या किसी से साझेद करेगा? नहीं। मान लीजिए कोई पंखा टंग रहा है बीच में, मिडल में कमरे के, तो क्या वो साझा करेगा किसी दूसरे कमरे से? नहीं करेगा ना, तो वो तो उसी का है, उसी रूम का है। ऐसे ही अगर कोई बीच में है, मान लीजिए कोई बीच में है, देखिए जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए ठीक, तो ये कोई यूनिट सेल है, तो इसके बीच में है कोई चीज, जैसे बीच में मैं कुछ भी रख रहा हूं परमाणु, मान लीजिए ये है, तो ये क्या किसी और से साझा करेगा? नहीं, ये तो इसी का है केवल, तो एक जो है वो क्या हो गया, मिडल में, तो एक इसका हो गया, इसी का है ये एक, और 8 से आया एक। तो अब देखिए, अंतः केंद्र से परमाणु बराबर एक, तो कुल कितना हो गया बच्चों, कुल परमाणु बराबर कितने हो गए, 1 और 1 2।
तो बॉडी सेंटर में कितना हो गया, दो हो गए। ठीक, एक और प्रकार है बच्चों, एक प्रकार है आपका, जो तीसरा प्रकार है वो बताएंगे फेस सेंटर्ड। वो कौन सा होता है? फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे बोलते हैं एफसीसी, या इसको फलक, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हरेक के फलक के बीच में होता है। जैसे यहां मैं इसको बनाता हूं, ठीक, देखिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड, बोर्ड का ये एक फलक हो गया। ठीक, तो यहां पर देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये जैसे फलक ये है, और इसके ये फलक है, तो फलक के सेंटर में भी है और ये कॉर्नर पे है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, और डायगोनल यहां से डाल दिया जाता है। ठीक, तो फलक पे उपस्थित है तो वो कितने से साझा करेगा, तो आप जानते हो बच्चों फलक से पे उपस्थित है तो वो कुल कितने से साझा करेगा, तो आप जानते हो कि ये है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये मैंने एक फलक लिया, एक यूनिट सेल है। तो इसमें अगर के यहां देखते हैं हम, इसमें देखिए बच्चों के, इसको मैंने यहां आपको समझाने के लिए एक मैं लिए लेता हूं। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहां पर ये फलक है, फलक ये कॉर्नर है, कोनों पर तो रहेंगे रहेंगे, फलक पर मान लीजिए कोई ये है कोई मिडिल में, ये फलक है इसका फेस, ठीक, ये भी फेस है, ये भी फेस है, तो ये कितने से साझा करेगा, एक दीवार समझ लीजिए, कमरे की दीवार, तो ये कितने से साझा करेगी, ये दो से। देखिए ये दूसरी है कोई, ये बराबर में होगा। ठीक, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं आपको कि ऐसे, ये कितने के बीच है परमाणु, बोलो ये कितने के बीच है बच्चों, दो के बीच। देखिए, तो आधा हिस्सा इसमें जाएगा, आधा हिस्सा इसमें जाएगा इसका। ठीक, क्लियर हो गया, ये सटे हुए हैं आपस में, इस टाइप से ये सटे हुए होते हैं। तो कितना हुआ, आधा हिस्सा इसमें, आधा हिस्सा इसमें, तो कुल कितना हुआ बताइए, बोलो, तो इससे कितना हिस्सा आया, आधा। समझ में आ गया बच्चों, तो फलक से आधा हिस्सा आएगा एक एक कोष्ठिका में। तो देखिए, कोनों से, कोनों से परमाणु बराबर कितना, आठ गुना एक बटे आठ, कितना हो गया एक, और फलक से, फलक जानते हो बच्चों, फेस, ठीक, फलक से परमाणु कितनी फलक होती है, छह फलक होती है, तो छह से एक से आता है आधा, तो छह से कितना आया तीन, तो छह गुणा एक बटे दो कितना आया तीन, तो कुल मिला के एक और तीन और एक चार, कुल परमाणु कितने हो गए, चार। इसी टाइप से आप अंत्य केंद्र यानी एंड सेंटर्ड, उसमें दो विपरीत फेस में होती हैं, तो उससे कुल दो आ जाएंगे, एक कोने से आएगा और एक दो विपरीत फलकों से। ठीक है बच्चों, तो इसको रिवाइज करना, धन्यवाद।